दोस्तों बात कर रहे हैं टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोगों ने इस शेयर में निवेश किया है या निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग है जिसमें क्वार्टर फोर के नंबर्स, क्वार्टर फोर का रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि रिजल्ट कैसा हो सकता है, साथ ही यहाँ पर यह भी जानेंगे कि क्या करना चाहिए, शेयर में होल्ड करना चाहिए, बाय करना चाहिए या फिर सेल करके निकलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आज के दिन देखें तो ओपनिंग के जो स्टॉक की हुई है वो अपर सर्किट के साथ हुई। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ओपनिंग के बाद 63 रुपये 55 पैसे पर ये शेयर टिका रहा, लेकिन उसके बाद गिरावट हुई और गिरावट अभी भी बरकरार है। 62.75, 62.80 रुपीज़ के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। वहीं अगर बात की जाए पिछले 5 दिनों की तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। 1 मंथ की बात करें तो पिछले 1 मंथ में 13-14% का रिटर्न जरूर देखने को मिला है, लेकिन अगर हम बात करते हैं 6 मंथ की तो 40% तक की गिरावट है। केवल 2023 की बात करते हैं तो यहाँ पर 30% तक की गिरावट है। अगर एक साल की बात करते हैं तो एक साल में अप्रॉक्सीमेट 60% से भी ज़्यादा की बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं तो आप सभी को पता है कि TTML में क्या हुआ था। 3-4 रुपये से मूवमेंट शुरू हुई थी और ये शेयर 299 यानी कि 280 290 रुपये तक भी जाता हुआ नज़र आया था। तो इस बीच बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा। इस शेयर की खास बात क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, हमेशा से लॉस मेकिंग रही है, और ये जो अपसाइड मूवमेंट आया था इसके पीछे काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी जो थी सुपर ऐप। आप सभी को पता होगा अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से स्टॉक मार्केट में हैं, तो पिछले साल इस शेयर के साथ सुपर ऐप जुड़ा हुआ था। सुपर ऐप की वजह से काफ़ी ज़्यादा बूम मिला और साथ के साथ यहाँ पर ऑपरेटरों ने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपना जो जाल बिछाया जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैप भी हुए, क्योंकि जब इतनी बड़ी लेवल पर जाने के बाद गिरावट हुई तो बहुत सारे लोगों को काफ़ी बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ है। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस शेयर में अभी नुकसान हो रहा होगा। तो इस लेवल पर मैं आपको केवल और केवल यही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने बाय किया हुआ है और अभी तक नहीं बेचा है तो बेचना बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये जो लेवल है सेल करने का बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर सेल करेंगे तो डेफिनेटली लॉस बुक करके जाएंगे, और अगर आप बाय करना चाहते हैं तो अभी वेट कीजिए, अभी बाय करने का भी टाइम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर बाय करने का डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम कंपनी के प्रीवियस रिजल्ट्स देखते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि आपको देख सकते हैं, फोर्थ क्वार्टर का यहाँ पर अपडेट हो चुका है, प्रमोटर होल्डिंग जो है वो सेम है, FIIs ने अपना हिस्सेदारी यहाँ पर थोड़ा सा घटाया है यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक कम किया है, यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है, बाकी का सारा डाटा सेम देखने को मिलता है। और यही इसकी खास बात है कि प्रमोटर होल्डिंग अभी तक 74.36% बनी हुई है। टाटा ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा है वो प्रमोटर्स का लगा है और ये एक प्लस पॉइंट है। और साथ के साथ अगर हम प्रीवियस रिजल्ट्स देखते हैं क्वार्टरली, तो आप देखेंगे कि हर एक क्वार्टर में कंपनी ने लॉस बुक किया है। जी हाँ दोस्तों, अभी बात करते हैं थर्ड क्वार्टर की, तो 280 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया था, उससे पहले 293, उससे पहले 295। तो कुल मिला के हर एक क्वार्टर में काफ़ी बड़े बड़े लॉस जो है कंपनी की तरफ से दिखाने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो क्वार्टर आने वाला है इसमें भी कंपनी लॉस ही प्रेजेंट करेगी। रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आप रिजल्ट आएगा तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में भी लॉस ही प्रेजेंट करेगी। हाँ, आंकड़े कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन अभी प्रॉफिट बुक करती हुई, प्रॉफिट जनरेट करती हुई नजर नहीं आने वाली है। तो डिसीजन वही रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया कि अभी सेल करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और बाय करना है तो रिजल्ट आने के बाद अपना डिसीजन बनाइएगा। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी पसंद आई होगी, उम्मीद करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।